नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 291 से 350 के बीच, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 291 है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? तो डियर फ्रेंड, ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया है। तो डियर फ्रेंड, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो हमारा बी ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा, यानी कि 3 न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 292 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 292, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य होने का प्रावधान किया गया? डियर फ्रेंड, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 293 की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 293 ये कह रहा है, किस अधिनियम के तहत कार्य करते हुए राजपद द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो डियर फ्रेंड, चलिए ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ये भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 294 है, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम में यूरोपीय मिशनरियों के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दी? डियर फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है डियर फ्रेंड, चार्टर अधिनियम 1813। चलिए क्वेश्चन नंबर 295 की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 295 ये कह रहा है, दास प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित किस भारतीय अधिनियम द्वारा हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन, डियर फ्रेंड, तो दास प्रथा 1833 का अधिनियम, इसके तहत ही ये दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 296 की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, 296 क्वेश्चन नंबर 296 ये कह रहा है, भारत में पहला ईसाई मिशन कहाँ स्थापित हुआ? तो डियर फ्रेंड, कहाँ स्थापित हुआ, चलिए ठीक है देखते हैं, ये सेरामपुर है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सेरामपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 297 की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 297 ये कह रहा है, शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1783 की स्थापना की? डियर फ्रेंड, ये 1783 नहीं होगा, या आप यहाँ लिख लीजिएगा 1784। ठीक है, ये 1784 रहेगा, 1784 की स्थापना की। तो चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन देखते हैं डियर फ्रेंड, ये विलियम जोन्स, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 298 की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 298 ये कह रहा है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका था? प्रिय मित्र, यह कथन लॉर्ड मैकाले का था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 299 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 ये कह रहा है, निम्न किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई? तो डियर फ्रेंड, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, चार्टर अधिनियम 1813, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 300 की तरफ चलते हैं। कौन सा दस्तावेज भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 1854 ईस्वी का उड का घोषणा पत्र। ठीक है, उड डिस्पैच का घोषणा पत्र है डियर फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन। चलिए 301 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301 क्या कह रहा है। निम्न में से किसने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? तो डियर फ्रेंड, कौन किया था बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना? ठीक है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन किया था डियर फ्रेंड? जोनाथन डंकन, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 302 अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डियर फ्रेंड, कौन किया था? चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन, W.W. Hunter। ठीक है, ये W.W. Hunter थे, ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 303 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 303 यह कह रहा है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो डियर फ्रेंड मुख्य न्यायाधीश की बात किया है, ये इलिनाह नहीं है डियर फ्रेंड, ये इलिजाह इम्फे, ठीक है, इलिजाह इम्फे इनका नाम है, ठीक है, इलिजाह इम्फे। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आप उसको इलिनाह जहाँ लिखा है वहाँ जा कर लीजिएगा, ठीक है, इलिजाह इम्फे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड, 304 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत महाराज्यपाल कर्मचारी परिषद में एक सीट भारतीय के लिए आरक्षित थी। तो क्या था डियर फ्रेंड, किस अधिनियम के तहत, चलिए इसको देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 305 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 305 कह रहा है किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, 305 नंबर। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 306 है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 306 कह रहा है कारखाना अधिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कार्य को घंटों को सीमित करने की मांग की गई थी। तो डियर फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1891 में, ठीक है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी। तो डियर फ्रेंड इसमें हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन डियर फ्रेंड लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग होता है ये, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, ठीक है, ये आप यहाँ लिख लीजिए वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 308 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य था। तो डियर फ्रेंड कौन था, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 309 ये कह रहा है ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट द्वारा किया गया। तो डियर फ्रेंड किस एक्ट के द्वारा किया गया, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, ठीक है। चलिए यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 310 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड, 310 ये कह रहा है 1902 ईस्वी में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो डियर फ्रेंड थॉमस रेले थे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 311 नंबर ये कह रहा है ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो डियर फ्रेंड भारतीय सरकार अधिनियम 1919, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 312 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड, तो देखते हैं दोस्त किसने वाराणसी में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय शुरू किया था। तो डियर फ्रेंड कौन शुरू किया था, डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 313 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता कौन किया था, ठीक है, यानी कि किसने किया था। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है, W.W. Hunter ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 314 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 314 ये कह रहा है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो चलिए ये 4-5 क्वेश्चन हमारा रिपीटेड हो गया है, चलिए और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड तो 324 नंबर देखते हैं, इसके पहले का क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है बाय मिस्टेक। चलिए किस वर्ष में पहला अकाल आयोग स्थापित किया गया था। तो डियर फ्रेंड तो कब स्थापित किया गया था, ठीक है, तो 1878 में, ठीक है,
चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 325 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 325 ये कह रहा है, किस वर्ष में देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया, किस वर्ष में देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया था डियर फ्रेंड। तो चलिए इसमें देखते हैं, 1882 ईस्वी में निरस्त किया गया था, यानी कि ए इज़ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं डियर फ्रेंड। भारतीय शिक्षा पर मिनट जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसको कौन तैयार किया था डियर फ्रेंड। चलिए थॉमस मैकॉले थे, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 327 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 327 ये कह रहा है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इनमें से किस अधिनियम ने भारत में साहित्य और विज्ञान के पुनरुद्धार और विकास को बढ़ावा दिया, तो डियर फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, चार्टर अधिनियम 1813। चलिए क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 328 ये कह रहा है, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो डियर फ्रेंड सपरिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ये गलत है, तो यही हमें पूछा गया है, ठीक है, तो ये गलत है और यही हमें करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है, ठीक है, ये देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 329 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 329 यह कह रहा है, मातृभाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो डियर फ्रेंड किस वर्ष पारित किया गया, ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 330 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को पूर्णतः कब खोया था, ठीक है, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, 1833 ईस्वी डियर फ्रेंड, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 331 नंबर कह रहा है, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से हुई थी, यानी कब की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए इसकी स्थापना देखते हैं, इसकी स्थापना सन 1773 के विनायक एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 332 यह कह रहा है, 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम के प्रतिपादित किए जाने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो डियर फ्रेंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, फ्रेडरिक नॉर्थ, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 333 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 यह कह रहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था, तो कौन था डियर फ्रेंड, चलिए इसमें देखते हैं, ये प्रिवी काउंसिल था, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 334 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 334 यह कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1613 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करते हुए जहांगीर को प्रभावित किया, तो डियर फ्रेंड कौन प्रभावित किया था, ये अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाइन की हार, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 335 की तरफ चलते हैं। 335 ये कह रहा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल होना चाहिए डियर फ्रेंड, सोसाइटी के बाद यहाँ आप जोड़ लीजिएगा सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है, यानी कि ऑफ बंगाल, ये कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो डियर फ्रेंड किस वर्ष हुई थी, तो ये 1784 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 336 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था डियर फ्रेंड, तो ये 1833 में डियर फ्रेंड, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1833, और जो अधिनियम था वह विधि आयोग अधिनियम था, ठीक है, यानी कि विधि
आयोग अधिनियम, ये विधि आयोग अधिनियम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 337 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 337 ये कह रहा है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी डियर फ्रेंड? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 338 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 338 ये कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? तो डियर फ्रेंड आयोजित की गई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 339 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 339 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? तो कौन पारित किया डियर फ्रेंड? लॉर्ड कर्जन था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, तो ठीक है डियर फ्रेंड, ये लॉर्ड कर्जन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 340 नंबर। क्वेश्चन नंबर 340 ये कह रहा है, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो डियर फ्रेंड ये हमारा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 341 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 341 ये कह रहा है, कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? तो कब की डियर फ्रेंड? तो ये 1858 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 342 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 342 ये कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया डियर फ्रेंड? 1773 ईस्वी में किया गया, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 343। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम के दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो डियर फ्रेंड कौन नहीं था? तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड, ठीक है, यानी कि इसका नाम है डियर फ्रेंड लैमिस्टर। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लिख लीजिएगा लैमिस्टर, ठीक है। ये देखिए लैमिस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 344 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1873 में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो डियर फ्रेंड तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाइड, इनका पूरा नाम ये है लैमिस्टर चैम्बर्स हाइड। क्या नाम है? लैमिस्टर चैम्बर्स हाइड, ठीक है डियर फ्रेंड, चैम्बर्स हाइड, ये यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345 की तरफ चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कानून को कब पारित किया? तो डियर फ्रेंड कब पारित किया था? 345 नंबर, यानी कि 1904 में। क्वेश्चन नंबर 345 में सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 346 देखते हैं, किस एक्ट द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई? तो कब हुई डियर फ्रेंड? इसका करेक्ट ऑप्शन है सन 1935 का एक्ट, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 347 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 347 क्या कह रहा है, किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज क्षेत्र में परिवर्तित हो गई? तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट ऑप्शन चलिए बताते हैं, सन 1858 के भारत सरकार का एक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 348 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 348, किस अवक्रय अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार को बंद कर दिया था? तो कब बंद हुआ था डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए इसका 1833 ईस्वी को बंद कर दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 349 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने शुरू किया, क्या शुरू किया था डियर फ्रेंड? तो उसने द्वैध शासन शुरू किया था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा देखते हैं, 350 नंबर डियर फ्रेंड। तो 350 नंबर कह रहा है, किस एक्ट द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई थी? तो डियर फ्रेंड ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड आपको 291 से 350 के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जो कि महेश बड़वाल की बुक से लिए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है डियर फ्रेंड, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।